हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये डेली मैथ रिवीजन का पार्ट वन है और अब से आपको डेली एक मैथ की वीडियो मिला करेगी। जितना भी अभी तक हमने मैथ पढ़ा है उसका हम रिवीजन करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। डेली आपको 10 क्वेश्चन की एक वीडियो मिला करेगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आपका ग्रुप डी का एग्जाम हो, RPF का हो, SSC GD का हो, HSC सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उनमें पार्ट भी मैं डालता जाऊंगा, ठीक है। पार्ट वन है, कल पार्ट टू, पार्ट थ्री, इस तरीके से आते चले जाएंगे। और जब तक हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट नहीं होती हैं तब तक आपकी प्रिपरेशन रुकनी नहीं चाहिए। फिर उसके बाद हम अलग ही पूरा सब कुछ मैनेज करके चलेंगे, आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे। बट जब तक लाइव क्लासेस स्टार्ट नहीं होती हैं तब तक हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से डेली आपको जो वीडियो मिलेगी उसको देखना है आपको और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना है। अगर आप अभी तक चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आपके पास डेली मैथ की वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और देखिए दोस्तों, मैं अकेडमी की लर्निंग ऐप पे पढ़ा रहा हूं, यहां पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वीडियोस देखनी है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहां पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और बहुत ही अच्छी वीडियो रहने वाली है और मैं आशा करता हूं कि आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो यहां पे पहला क्वेश्चन है, ए तथा बी और बी तथा सी किसी काम को क्रम 12 तथा 6 सही 2/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए इस काम पर 3 दिन काम करे तथा बी इस काम पर 4 दिन काम करे तो बचे हुए काम को सी अगले 7 दिनों में पूरा कर लेता है। तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे बोला जा रहा है ए और बी किसी काम को बी और सी मिलकर, यानी कि ए और बी मिलकर कर लेते हैं 12 दिनों में, और जो बी और सी मिलकर करते हैं 6 सही 2/3 दिनों में। तो यहाँ पे आपका एक कन्फ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा, अगर यहाँ पे फ्रैक्शन में दे रखा होगा डेज तो तब कैसे करना है, ठीक है, ये कन्फ्यूजन भी रहता है तो ये भी यहीं पे क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है, मैं पूरा कर सकते हैं यदि ए इस काम पर 3 दिन काम करे, यानी कि ए तो सिर्फ 3 दिन ही काम करेगा। फिर नेक्स्ट बोला जा रहा है बी इस काम पर 4 दिन काम करे, बी केवल 4 दिन काम करे तो बचे हुए काम को सी अगले 7 दिनों में पूरा कर लेगा। तो जितना भी ये काम बचेगा बी ए 3 दिन करके और बी का 4 दिन करके और सी अगले 7 दिनों में उसको कंप्लीट कर लेगा जितना भी काम बचेगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ए पूछा है ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे इन्होंने क्वेश्चन को दिया है। सबसे पहले इन्होंने दिया है कि ए और बी 12 दिन में करते हैं तो मैंने वैसे ही लिख लिया। बी और सी कितने में करते हैं, 6 सही 2/3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 20/3, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 20/3। अब सबसे पहले बात आती है एलसीएम लेने की, हम एलसीएम लेके टोटल वर्क निकाल लेते हैं। सभी को पता है ना एलसीएम कैसे ले। अब 20 और 20/3 का एलसीएम कैसे ले, तो आप थोड़ी देर के लिए 3 को भूल जाइए, बस ऊपर वालों का एलसीएम लीजिए। तो कितना आ जाएगा, 12 और 20 का एलसीएम आपका 60 आ जाएगा। तो 60 जो है टोटल वर्क आ गया, यानी कि ए और बी, बी और सी जिस काम को ए और बी मिलकर 12 दिन में करते हैं ना, तो वो 60 यूनिट वर्क होता है। तो यहाँ पे एक दिन में कितना वर्क करेंगे, तो ए और बी एक दिन में करेंगे कितना वर्क, आपका 60 को 12 से भाग कर देंगे तो एक दिन में करेंगे 5 यूनिट वर्क। फिर 60 को यहाँ पे बी और सी एक दिन में कितना करेंगे, तो हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 60 को हम 20 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा 3, और 3 की मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9, यानी कि बी और सी मिलकर के एक दिन में 9 यूनिट वर्क करेंगे। अब यहाँ पे बोला जा रहा है यदि ए इस काम को 3 दिन काम करे, यदि ए इस काम पर 3 दिन काम करे तो ए का तो हमें पता नहीं कि ए अकेला एक दिन में कितना करता है, हमें पता है कि ए और बी मिलकर 5 यूनिट वर्क कर लेते हैं, तो हम ए और बी को दोनों को ही मिला के 3 दिन वर्क करा लेते हैं। तो ए और बी दोनों मिलकर 3 दिन करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, एक दिन में तो 5 करते हैं तो 3 दिन में आपका 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है बी और सी, यानी कि सी सॉरी बी यहाँ पे कर रहा है 4 दिन वर्क, तो बी का भी हमें अकेले का नहीं पता, बट बी का पता है कि बी और सी मिलकर 9 यूनिट वर्क करते हैं। बी ने यहाँ पे इसके साथ में मिलकर कितना कर लिया, 3 दिन तो काम यहाँ पे कर लिया, करना कितना इसको 4 दिन काम, तो एक दिन का काम और इसका बचा हुआ है, तो बी और सी को दोनों को हम एक दिन और करा लेते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 यूनिट वर्क, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो बचा हुआ कार्य बचेगा, यानी कि ए बी के करने के बाद में जो बचेगा कार्य उसको सी 7 दिन में कर लेगा, बट सी ने 1 दिन इसके साथ में किया, इसका मतलब बचे हुए कार्य को अब सी कितना 6 दिन में करेगा। तो बचा हुआ कार्य है कितना, यहाँ पे 15 यूनिट यहाँ पे हुआ, 9 यहाँ पे हुआ, तो कितना हो गया 24 यूनिट वर्क। तो 60 में से मैंने 24 को माइनस किया, बचा कितना 36 यूनिट वर्क। तो सी तो बचे हुए कार्य को करेगा ना, तो सी बचे हुए कार्य को कितने दिन में कर लेगा, 36 को 6 से भाग कर देंगे तो 6 दिन में ये वर्क को कंप्लीट कर लेगा। तो यानी कि सी
इसी काम को 6 दिन में कर लेगा। देखिए यहाँ पे बोला गया ए और बी 12 दिन में करते हैं, बी और सी 20/3 दिन में करते हैं और सी अकेला 6 दिन में कर लेता है। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, इनका पर डे वर्क निकाल लेंगे। ठीक है, अगर हमें पर डे वर्क पता चलेगा तो इजिली काम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बी और सी में से अगर मैं सी का माइनस कर दूँ तो मुझे किसका पता चल जाएगा, बी का वर्क पता चल जाएगा। तो बी और सी 9 यूनिट वर्क करते हैं और सी अकेला यहाँ पे 1 दिन में 6 यूनिट वर्क करता है, तो मैंने 9 में से 6 माइनस किया तो 3 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ए और बी में से मुझे बी का पता चल गया 3 है, तो ए और बी में से अगर मैं बी को माइनस कर दूं तो ए का पता चल जाएगा। तो यहाँ पे ए और बी दोनों मिलके 5 यूनिट वर्क आपका कर रहे हैं और इसमें से अगर मैं बी का माइनस कर दूं 3 यूनिट वर्क तो ए का बचेगा आपका 2 यूनिट वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ए का कितना वर्क करेगा, ए पूछा है कि ए कितने दिन में कर लेगा, तो 60 यूनिट टोटल वर्क है और ए 1 दिन में 2 यूनिट वर्क करता है तो 30 डेज में ये वर्क को कंप्लीट कर लेगा। यही आपका क्वेश्चन था। तो आशा करता हूँ कि देखिए थोड़ा सा टाइम जरूर लगा है बट आपकी समझ में आ गया होगा आंसर कितना हो जाएगा, 30 डेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सोने और तांबे के 2 मिश्र धातुओं के क्रम 7:2 तथा 7:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है। ठीक है, दोनों मिश्र धातुओं के समान मात्राओं को पिघालकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है। बताइए तीसरी मिश्र धातु में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा। देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं कि 2 मिश्र धातु बनाई जा रही है, ठीक है, जिसमें सोने और तांबे का जो रेशो है, एक में तो 7:2 है, दूसरे में आपका 7:11 है। तो हम क्या करेंगे, सोने को एक तरफ कर लेंगे दोनों मिश्र धातुओं में से और तांबे को एक तरफ कर लेंगे। तो ये कैसे करेंगे, देखिए सोने का अगर मैं टोटल रेशो निकालूं दोनों में कितना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 7 तो यहाँ पे सोने का है और टोटल कितना है, 7/8 हो जाएगा, सॉरी 7/9 हो जाएगा। तो सोने का पहले वाले जो मिश्र धातु है उसमें कितना है, 7/9, ठीक है, और दूसरे वाले में कितना है, 7/7, यहाँ 11 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 18, तो 7/18 ही हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो दोनों को मिश्र धातुओं में सोने का कितनी वैल्यू है, तो ये हो जाएगी आपकी, अब यहाँ पे दोनों का जो एलसीएम आ गया 18 आ जाएगा, 9 × 18 यानी कि 7 × 14 प्लस 7 तो 21 हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम तांबे को भी इस तरीके से निकालेंगे, तो यहाँ पे पहले वाले जो मिश्र धातु में आपका जो तांबा है वो कितना है, 2/9, ठीक है, और दूसरे वाले में कितना है, 11/18, तो यहाँ पे भी हम 18 एलसीएम ले लेंगे और 9 से 18 जाएगा 2 बार, 2 की 2 में करेंगे 4 और 11 कितना हो जाएगा, 11 और 4 15, तो 15/18। ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पूछा ना किस रेशियो में मिलाया जाए तीसरे में, तो आप क्या करेंगे 21/18 और 15/18 का बस रेशियो बना लीजिए। तो यहाँ पे दोनों में नीचे 18/18 है तो ये तो आपका 18 हो ही जाएगा, एलसीएम 18 हो गया तो 21 और 15 ही आपका ये रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से कट करेंगे 7 टाइम और 3 से कट करेंगे 5 टाइम, यानी कि 7:5 का रेशो आपका बन जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छे अच्छे सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, तो इनको हम करते रहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किसी बर्तन में 50 लीटर द्रव्य रखा है जिसमें 5 लीटर द्रव्य निकालकर उतना ही एक दूसरा द्रव्य डाल दिया जाता है और यह क्रिया 3 बार की गई है, अंत में बर्तन में पहले द्रव्य की मात्रा कितनी रह गई, ये आपको बताना है। देखिए एक तो क्वेश्चन ये हो गया, एक और इसके बाद में कराने वाला हूँ, जस्ट इसके बाद में ही कराऊंगा। वहाँ पे होता है कि बार बार अलग अलग क्वांटिटी निकाली जा रही है, यहाँ पे तो 5 लीटर द्रव्य निकाला गया और उसको 3 बार रिपीट कर दिया, यानी कि 5-5 लीटर 3 बार निकाल दिया गया, तो ये वाली कंडीशन अलग हो गई। जब हर बार अलग मतलब द्रव्य निकाला जाएगा वो कंडीशन अलग हो जाएगी। तो यहाँ पे बस आपको एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है, दोनों में कंडीशन वही रहेगी, बस एक ही ट्रिक है। ठीक है, तो यहाँ पे x(1 - y/x) और आपका यहाँ पे पावर हो जाएगी n। अब n का मतलब मैं बताऊंगा आपको, जब भी सेम क्वांटिटी बार बार निकाली जाती है और बोला जाता है 3 बार रिपीट करने के लिए 4 बार, तो यहाँ पे n की पावर वही हो जाती है। ठीक है ना, ये x का मतलब है टोटल क्वांटिटी, यानी कि आपकी टोटल क्वांटिटी है कितनी, और y का मतलब है आपका यहाँ पे कि कितनी क्वांटिटी आप निकाल रहे हैं, जिस क्वांटिटी को आप बार बार रिपीट कर रहे हैं वो क्वांटिटी निकाल कितनी रहे हैं। तो किसी बर्तन में 50 लीटर द्रव्य है, तो यहाँ पे x की वैल्यू तो आपकी 50 हो गई। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि 5 लीटर द्रव्य निकाला गया उतना ही दूसरा द्रव्य डाल दिया गया, यानी कि 1 - 5/50। ठीक है, बोला जा रहा है कि डाल दिया जाता है और यह क्रिया 3 बार की गई, तो 3 बार की गई तो यहाँ पे आप पावर 3 रख देंगे। तो सिंपल है भाई, अभी तक तो कुछ आपको कन्फ्यूजन नहीं लगा होगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, बस इसको सोल्व कर लेना है। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45/50। ठीक है, 50 एकम 50, -5 करेंगे तो 45/50 की पावर 3। तो आप इसको या तो डायरेक्ट क्यूब निकाल लीजिए या फिर यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम,
इस 45/50 को 3 बार लिख लेंगे, तो 50 × 50 45/50 45/50 45/50 इस तरीके से लिख लेंगे तो इजीली सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 50 से तो ये 50 ही कट जाएगा, ठीक है, जितनी चीज़ें कट सकते हैं उसको कट कर लेते हैं। 5 से 9 टाइम जाएगा, 5 से 10 टाइम जाएगा, ये 9 टाइम ये 10 टाइम, तो यहाँ पे देखिए, और ये जैसे 5 से फिर चला जाएगा 2 टाइम और ये चला जाएगा 9 टाइम, तो आपका यहाँ पे क्या बच गया है, यहाँ पे नीचे बच गया 2 और 10 और ऊपर 9 × 9 × 9 करेंगे तो 729 हो जाएगा, और नीचे कितना 2 × 10 करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो 729 को हम डिवाइड करेंगे 20 से तो कितना आएगा 36.45, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो पहली कंडीशन तो ये थी, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब दूसरे क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं और आपको ये भी समझ में आ जाएगा। एक पात्र में 60 लीटर अल्कोहल रखा है, ठीक है, उसमें 10 लीटर अल्कोहल निकाला, उतना ही पानी डाल दिया, यानी कि 10 लीटर अल्कोहल निकाला और दूसरा जो मिश्रण है आपका वो पानी है और पानी को डाल दिया। इसके बाद 15 लीटर मिश्रण निकाला और उतना ही पानी डाल दिया, पुनः 12 लीटर मिश्रण निकाला और उतना ही पानी डाल दिया, अंत में पात्र में शुद्ध अल्कोहल कितना रह गया। अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि 60 लीटर अल्कोहल रखा था एक पात्र में, जिसमें से पहले तो निकाला गया 10 लीटर अल्कोहल और पानी डाल दिया गया, फिर निकाला गया 15 लीटर अल्कोहल और उतना ही पानी डाल दिया गया, फिर तीसरी बार आपका निकाला गया 12 लीटर अल्कोहल और उतना ही पानी डाल दिया गया। तो यहाँ पे लास्ट में पूछा है कि अंत में पात्र में शुद्ध अल्कोहल कितना रह गया, ये आपको बताना है। तो आपको ट्रिक याद है ना, ये वाली ट्रिक, ऊपर मैंने बताया आपको एक्स ब्रैकेट 1 − y/x ब्रैकेट 1। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि जब रिपीटेशन था, एक ही वैल्यू का बार बार रिपीटेशन था, यानी कि 5 लीटर बार बार निकाला जा रहा था, तो मैं यहाँ पे n रख रहा था पावर, यहाँ पे हम मैंने n रखी थी, इसका मतलब था कि उसको बार बार रिपीट हो रहा है। तो अभी क्या करना है आपको, रिपीट नहीं हो रहा है तो इसी फॉर्मूले को 3 बार अप्लाई कर देना है, बस इतना ही आपका चेंज है और आप इसको इजिली कर लेंगे, कोई हार्ड नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, x की वैल्यू तो वही 60 रहेगी, 1 − पहली बार 10 लीटर निकाला गया तो 10/60 −15/60 और 1 − 12/60, इस तरीके से आपने 3 बार कर लिया। और इसको सोल्व करेंगे तो ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो 50/60 हो जाएगा, यहाँ पे 45/60 हो जाएगा और यहाँ पे करेंगे 48/60 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करते हैं, जैसे यहाँ पे 0 से 0 कट हो जाएगी, ठीक है, ये 5 से 9 टाइम जाएगा और ये 5 से 12 टाइम जाएगा, ये आपका 2 से जाएगा 24 टाइम और ये जाएगा 30 टाइम। अब देख लेते हैं जो चीज़ें और भी कट हो सकती है उसको कट कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे आपने 60 बिल्कुल पहले ऐसे लिख लेते हैं, देखिए बहुत सारी कैलकुलेशन आप यहीं पे कट कर सकते हैं, जैसे इसको दोबारा से फिर हम कट करें अगर 2 से तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। तो जो चीज़ें कट हो सकती हैं, जैसे 3 से ये कट हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं इसको कर सकता था बट थोड़ा ही ज़्यादा वो हो जाता है ना, समझ में नहीं आती फिर कौन सी चीज़ें कहाँ से कट गई, तो इसलिए मैंने इसको नीचे लिख करके दोबारा से कट किया है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कट सकती है, जैसे 12 से ये कट जाएगा 24, ठीक है, और यहाँ पे कट जाएगा जैसे 3 × 9 और 3 से कट जाएगा 10 बार, यहाँ पे फिर 5 × 10 ये कट जाएगा आपका 5 × 10 और ये कट जाएगा 5 से 5, ठीक है। इसी तरीके से आप पूरा कट करेंगे तो लास्ट में आपका फाइनल वैल्यू जो बचेगी वो 30 लीटर बचेगी और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्रिकेट के एक खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत 12.4 है। गेंदबाजी का औसत का मतलब होता है कि यानी कि 12.4 पे वो एक विकेट लेता है, वह 26 रन पर 5 विकेट लेकर अपनी औसत गेंदबाजी में 0.4 की कमी कर देता है। देखिए यहाँ पे 0.4 की कमी जो हुई है, इसका मतलब ये है कि अब उसने 12 रन पे ही विकेट लेना स्टार्ट कर दिया, इन 26 रन पर 5 विकेट लेने के बाद में उसका औसत डिक्रीज हो गया, ठीक है ना। डिक्रीज होना गेंदबाज के लिए अच्छा होता है, क्योंकि जितने कम रन पे वो मतलब विकेट लेगा तो उतना ही उसका स्कोर अच्छा रहेगा, ठीक है ना। अंत मैच तक कितने विकेट लिए, उसने ये बताना है आपको कि जो क्रिकेटर जो खेल जो मतलब बॉलिंग कर रहा है गेंदबाज है, उसने अंत मैच तक कितने विकेट लिए। अभी हमें ये तो नहीं पता कि उसने पहले औसत तो पता चलेगा कि 12.4 का से उसने घटा के 12 कर लिया, इसका मतलब उसने 5 विकेट जो लिए वो 26 रन में लिए, इससे पहले उसने कितने रन में कितने विकेट लिए वो हमें नहीं पता है। तो हम क्या मान लेते हैं कि उसने अभी तक एक्स विकेट लिए हैं और कितने जो रन रेट था इसको जो गेंदबाजी का उसका औसत था वो कितना था 12.4 का, यानी कि हर 12.4 रन पे वो एक विकेट ले रहा था, तो ये उसका पहला था। अब नया जो उसका स्कोर बन गया है वो कितना है कि 26 रन पर उसने 5 विकेट ले, इसका मतलब क्या हुआ, उसका जो औसत गेंदबाजी का औसत था वो 0.4 से डिक्रीज हो गया, यानी कि 12 हो गया होगा, तो x प्लस 5 हम कर लेंगे विकेट, यानी कि 5 विकेट उसने ले ना तो x प्लस 5 और औसत उसका 0.4 से कमी आ गई, ठीक है।
यहाँ पे आप मुझे ये बताइए, अगर उसका औसत कम ना होता तो उसको कितने रन पे विकेट लेने थे? 5 विकेट। तो 12 की मल्टीप्लाई हम 5 में करेंगे, 60 रन पे उसे विकेट लेने थे। बट अभी वो 26 रन में ही 5 विकेट ले लेता है, इसका मतलब उसने इतने 34 रन पहले ही विकेट ले लिए। उसे 5 विकेट लेने में कितने रन देने थे? 60। उसने 34 रन बचाए। इसका मतलब जो ये आपका औसत डिक्रीज हुआ है ना 0.4, ये 34 की वजह से हुआ है, इन 34 रन की वजह से। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि 34 रन कैसे बनेंगे, तो 0.4 में किस चीज़ की मल्टीप्लाई करेगी 34 बन जाए, तो आप क्या करेंगे, एक्स बराबर 34 डिवाइड कर देंगे 0.4 से, तो यहाँ पे सॉरी एक्स की वैल्यू आपकी 85 आ गई है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, देखिए ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर बहुत ही इजी है। यहाँ पे बोला जा रहा है एक बल्लेबाज की 11 पारियों का एक विशेष औसत है, एक विशेष औसत है जो कि हमें नहीं पता। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, 12वीं पारी में, 11 के बाद 12वीं पारी आई उसमें उसने 90 रन बनाए तथा उसकी औसत रन संख्या 5 कम हो गई। जो उसकी रन बनाने का जो औसत चल रहा था उससे 5 कम हो गया, ठीक है, 12वीं पारी के बाद उसका औसत रन कितनी रही? देखिए अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 11 पारियों तक के औसत की, मैं मान लेता हूँ एक्स, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता तो मैंने एक्स मान लिया। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए जिसकी वजह से उसका औसत कम हो गया, कितने से? 5 रन से। तो अब मुझे ये बताइए, जब औसत कम होगा तो औसत कम होने का मतलब है कि पूरी की पूरी 11 पारियों का औसत कम हुआ होगा, 90 रन बनाने पर उसका 5 से कम हुआ, इसका मतलब उसका कुल कमी कितनी आई? 11 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 55 रनों की कमी आई, ठीक है ना। यानी कि उसे बनाने कितने थे, अगर वो 145 बनाता तो यहाँ पे कमी नहीं आती, तो इसका मतलब आपके एवरेज जो रन चल रहा था वो 145 चल रहा था। तो अगर 145 रन वो बनाता 12वीं पारी में तो यहाँ पे उसको कोई भी दिक्कत नहीं होती और रन जो औसत रन था वो 5 से कमी नहीं आती उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आई होगी कि इतने कम रन बनाए इसलिए उसका 5 से औसत कम हुआ, तो अगर वो कम हम ना करें तो उसे कितने रन बनाने थे? 145, तो 145 का ही औसत चल रहा था, ठीक है ना। यानी कि हर एक पारी में 145 45 रन बनाने थे, अगर वो 90 की जगह 145 बना देता तो उसका औसत डिक्रीज नहीं होता, औसत डिक्रीज हुआ है क्योंकि उसने 145 से कम बनाए। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। एक व्यक्ति उसकी पत्नी तथा उसके पुत्र की औसत आयु पुत्र के विवाह के समय 42 वर्ष थी। औसत आयु तीनों की 42 वर्ष थी पुत्र के विवाह के समय। इसके ठीक एक वर्ष बाद एक बच्चे का जन्म हुआ, तब इस बच्चे की आयु 5 वर्ष थी, तब इस परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो गई। विवाह के समय पुत्र वधू की आयु कितनी थी? देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ने में लगा होगा आपको अजीब, बट ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसको कैसे करना है। यहाँ पे फादर मदर और सन, यानी कि व्यक्ति पत्नी और पुत्र की जो औसत आयु है वो 42 वर्ष है, तो यानी कि तीनों की 42 वर्ष है, तो तीनों का सम कितना होगा, आयु का योग कितना होगा, वो 126 हो जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई 42 में कर देंगे, ठीक है। पुत्र के विवाह के समय, जब विवाह हो जाता है और 5 साल का बच्चा हो जाता है, उस टाइम पे फादर मदर सन और वाइफ और जो उनका बेबी है वो 5 बंदे हो गए ये, ठीक है। 3 तो पहले थे, 2 बाद में आ गए, वाइफ और सन, तो ये 5 हो गए। 5 का जो औसत है वो कितना होगा, 36 वर्ष का हो गया। तो 5 की मल्टीप्लाई मैं 36 में कर दूं तो इनका सभी का सम कितना होगा, 180 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से 126 से 180 बढ़ के कितना हुआ, 54। अब मुझे ये बताइए 54 वर्ष में, एक तो 5 साल का तो एक बच्चा है, तो मैं उसकी माइनस कर देता हूँ, 54 में से माइनस करूंगा मैं 5, तो क्या हो जाएगा, 49, ठीक है। तो 49 आ गया। अब इसमें से जो आपका मतलब इंक्रीमेंट हुआ है 6 साल बाद, क्योंकि 5 साल का बच्चा है तो इसका मतलब 6 साल बाद की यहाँ पे बात की जा रही है, तब इस परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो गई। यानी कि जब बच्चा 5 साल का होगा तो ये सभी के सभी, क्योंकि 1 साल ब्याह शादी हुई होगी, फिर उसके बाद 1 साल बाद बच्चा हुआ होगा, और उसके फिर 5 साल का जब बच्चा हो गया तो इसका मतलब शादी को हुए 6 साल हो गए, तो इन चारों की 6 साल की भी हमें माइनस करनी पड़ेगी। तो चारों की 6 माइनस करेंगे यानी कि 24 साल माइनस करेंगे, तो जो ये आपका 25 आया है, ये आपका पुत्र वधू का जब शादी हुई थी तो वो 25 साल की थी, तो यही आपका राइट आंसर बच जाएगा। समझ गए ना भाई? देखिए जो ये आपका यहाँ पे, क्योंकि इन तीनों की तो मैंने जिस टाइम पे शादी हुई थी वो मैंने हटा दी थी, यहाँ पे जो इंक्रीमेंट है वो सिर्फ किसका है, बच्चे का है और पुत्र वधू का है, और वो जो 6 साल आपका एक्स्ट्रा
मतलब बड़े हैं वो हमने यहाँ पे माइनस कर दिए। तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, रिवीजन है तो मैं आपको इस क्वेश्चन को दोबारा भी करा दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। एक समिति के 5 सदस्यों में से एक सदस्य के स्थान पर नया सदस्य आने से उनकी वर्तमान आयु 3 वर्ष पूर्व जितनी रही, यानी कि 3 वर्ष से घट जाती है। इन दो नए तथा पुराने सदस्यों की आयु का कितना अंतर है? अब मुझे ये बताइए कि 5 सदस्य हैं, एक आया और एक चला गया, तो सदस्य तो अभी 5 ही है ना, बट औसत कम हो गया। इसका मतलब जो बंदा गया है, एक सदस्य गया है, तो उसकी एज ज़्यादा थी जो नया आया है, इसलिए तो आपका औसत डिक्रीज हुआ है। देखिए औसत कभी भी डिक्रीज होगा, तो इसका रीज़न ये रहेगा कि जो मतलब नया बंदा आया है उसकी एज कम रही होगी जो गया है उससे, ठीक है। तो औसत कितने से कम हुआ है? 3 से। औसत कम होने का मतलब ये है कि 5 के 5 बंदों का औसत कम हुआ होगा। तो जब 5 के 5 बंदों का औसत 3 वर्ष से कम होगा तो टोटल कमी कितनी आई? 15 वर्ष की। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बोला गया कि इन दोनों के तथा नए तथा पुराने सदस्यों की आयु का अंतर कितना है, तो ये आपका 15 वर्ष हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान था, ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में था इतना ही, आपको वीडियो पसंद आई होगी मैं आशा करता हूँ कि, और आपने वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया होगा, अगर नहीं किया है तो कर दीजिएगा, क्योंकि इससे भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए लगातार वीडियो बनाने का। और जो लाइव क्लास का कॉन्सेप्ट हम लेके आने वाले हैं उसमें बहुत ज़्यादा ही टाइम लग गया, इतना सोचा नहीं था हमने, और जो चीज़ों के बारे में नहीं पता होता ना उसमें टाइम लग जाता है, तो अभी भी थोड़ा और टाइम लग सकता है। तो बट हमें, मेरा भी टारगेट है कि आपके लिए लाइव क्लास लेके आना। तो देखिए मैं अभी लगा हुआ हूँ, और आपका सपोर्ट और आपका जो प्यार है बिल्कुल इसी तरीके से बनाए रखिएगा। टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, डेली PDF वहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। न्यूज़पेपर वहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ, कोई इन्फॉर्मेशन होती है जो इंस्टेंट देनी होती है वो भी मैं वहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपका जो भी डाउट है वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं पर भी फॉलो करके सौरभ मलिक या टॉपिक स्टडी को सर्च करके आप मुझे मैसेज करके बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को देखकर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।